नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कोविड के इस दौर में आप सभी लोग कुशलतापूर्वक घर में अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। ठीक है मित्रों, अपने अंतिम कक्षाओं में हम लोगों ने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पूर्ण कर ली थी और इसी संदर्भ में आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका शीर्षक है शब्द रचना, है ना। तो इसके अंतर्गत मित्रों विभिन्न प्रकार के सवाल जो होते हैं वो परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं, तो इसी की चर्चा आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो शब्द रचना, पहले तो हम इसके अंतर्गत इसकी एक भूमिका समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न हैं उनका अध्ययन करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम प्रश्न करना जाने, ठीक है ना मित्र। अगर पेपर में हम लोग इस चीज को जान पाएंगे कि पेपर में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पहले एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद इस पे हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उसी को आधार बना करके हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की अपनी क्लास में हम एक ये जो टॉपिक है हमारा शब्द रचना, इसका एक ओवरव्यू जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे, मतलब शब्दों का जो है हमारे विभाजन किया गया है, या शब्द हमारे जो हैं वो क्या होते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो उस पर हम लोग आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो देखें मित्रों, जो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे शब्द रचना के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या होता है, है ना। शब्द की रचना है, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक सामान्य परिचय जो कि महत्वपूर्ण होता है हर टॉपिक के प्रारंभ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि वही से हम लोग अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे कि ये शब्द क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने अंतिम कक्षाओं में वर्णमाला, संधि और समास, इन तीन टॉपिक का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था कि जैसे हम लोगों ने संधि पढ़ी थी या समास पढ़ी थी, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था, उसको पढ़ाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि उनकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे थे, शब्दों का निर्माण कर रहे थे। ठीक है ना, उनकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे थे, नए शब्दों का निर्माण कर रहे थे। तो वो जो शब्द बने, तो वो शब्द क्या है, या पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग इसके एक सामान्य परिचय में दो तीन पॉइंट के रूप में जानेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जहां से ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जो अध्याय है, जहां से क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो होता है शब्दों का विभाजन। क्या है, शब्दों का विभाजन। तो ये महत्वपूर्ण है मित्रों, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो अपना हमारा जो एक चैप्टर है शब्द रचना, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दो तरीके से हमें बस इसे पढ़ना है, कि एक शब्दों का सामान्य परिचय, जहां पे हम इसकी एक परिभाषा को जान लेंगे क्या होती है परिभाषा, ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा वो हो जाएगा इनका विभाजन, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका विभिन्न प्रकार का विभाजन पढ़ेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। शब्दों के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो देखिए मित्रों, जब भाषा का विकास मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस भाषा के विकास के क्रम में हम लोग एक चर्चा करेंगे कि भाषा की इकाइयां, या भाषा की जैसे हम बात करें सबसे छोटी, सबसे प्रारंभ में कौन सी इकाई अस्तित्व में आई।
तो उस क्रम को हम लोग आगे, और शायद संभवतः मैंने संधि की क्लास जब प्रारंभ की थी तो इसकी चर्चा आप लोगों से की थी, ओवरव्यू वहां पे भी हम लोगों ने लिया था, शायद आप लोगों को याद ना हो, स्मरण में ना हो, तो एक बार फिर से मैं स्मरण कराता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जब हम लोग चर्चा करते थे तो सबसे छोटी इकाई के रूप में हमारे सामने क्या आती थी, सबसे छोटी इकाई के रूप में हमारे सामने आती थी ध्वनि। क्या आती थी बच्चों? ध्वनि सबसे छोटी इकाई के रूप में आती थी। उसके बाद भाषा की जो छोटी इकाई लघुत्तम इकाई थी वो थी आपकी वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द, शब्द के बाद पद, पद, और पद के बाद वाक्य, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने एक क्रम अपना पढ़ रखा था, ये क्रम हम लोगों ने अपना पढ़ा था। तो वहां पे हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो ये ध्वनि के बारे में जान लिया था कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी छोटी मौखिक इकाई होती है। कैसी इकाई? मौखिक इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है मित्रों? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हम बोल पा रहे हैं उसकी जो लघुत्तम इकाई है वो क्या होती है? ध्वनि कहलाती है। इसी प्रकार हम लोगों ने वर्ण की जब चर्चा की थी तो बोला था कि यही ध्वनि को जब हम लोग क्या करते हैं, एक लिपिबद्ध कर देते हैं, ठीक है, या लिपि का सामान्य अर्थों में अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम ऐसे बोलेंगे कि जब हम इसको कोई संकेत प्रदान कर देते हैं, ठीक है, जब कोई संकेत प्रदान कर देते हैं या कोई चिन्ह दे देते हैं उसको, जिसके माध्यम से हम क्या करें उसको पहचान पाए, ठीक है ना, कि जो भी ध्वनि है हमारी उसको अगर हम पहचान पाए किसी संकेत के माध्यम से तो वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो ये एक प्रकार की किस प्रकार की इकाई हो जाती है? ये एक तरीके से आपकी लिखित इकाई हो जाती है, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाती है? आपकी वर्ण हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा, अब हम लोग जो अपना आज का हमारा जो चैप्टर है शब्द रचना उसके हम लोग प्रारंभ करेंगे, तो उसी इकाई के क्रम में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? शब्द आता है, यानी वर्णों के बाद क्या आता है? शब्द आता है। तो शब्द क्या होता है? शब्द की अगर हम लोग सामान्य अर्थों में बात करें मित्रों तो वो कहलाता है कि वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, ठीक है ना, वर्णों का समूह। ये तो एक सामान्य अर्थ में हो गया, एग्जैक्ट मतलब इसकी परिभाषा ये नहीं है। यहां पे हम लोग अगर एग्जैक्ट परिभाषा की बात करेंगे तो यहां पे एक शब्द आएगा वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह। लेकिन अगर समझने के दृष्टिकोण से हम सिर्फ इसी को आगे, इस क्रम को ही लेकर के आगे बढ़े तो इसमें हम लोग बोलेंगे तो क्या कि ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं जो बोला जा सकता है, ठीक है। और वही ध्वनि, यानी बोलने वाली जो हमारी बोली है, ठीक है ना, जब उसको एक लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है? लिखा जाता है, तो वह ध्वनि क्या बन जाती है? वही ध्वनि आपका वर्ण बन जाती है। इस वर्ण को हम लोग एक और नाम से भी जानते थे, हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था अक्षर। किस नाम से जानते थे? अक्षर के नाम से जानते थे, ठीक है ना। अब यही वर्ण क्या होते हैं? जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से क्या होता है? एक कोई अर्थ बन, ठीक है ना, एक कोई अर्थ प्राप्त होता है हमें, तो वही अर्थ हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता हमारा सार्थक। तो वर्णों का कैसा समूह, यानी वर्णों के मिलने से, उनके मिलने से एक ऐसा समूह जिसका हमें कोई अर्थ प्राप्त हो, जिसका हमें क्या हो, कोई अर्थ प्राप्त हो, वही हमारा क्या कहलाता है मित्रों? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो इसी चीज की हम लोगों को चर्चा करनी थी, ये शब्द की। और देखिए एक क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने हम लोग क्या है पढ़ाई को एक क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें क्या है एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, तो पढ़ना हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो पा रहा है। देखिए जैसे हम लोगों ने सबसे पहले अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ण, तो वर्णमाला हमने प्रारंभ की थी, तो वर्णमाला में हमने वर्ण का पूरा अध्ययन आप लोगों के सामने कर दिया था, ठीक है ना। अब ये क्या कहला रहा है? ये हमारा शब्द क्या कहलाता है? ये वर्णों का समूह होता है, यानी वर्णों का समूह मतलब वर्ण आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। वर्ण आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इन्हीं वर्णों के जुड़ने के जो नियम थे,
यानी वर्णों के जुड़ने की प्रक्रिया थी, वो हम लोगों ने पढ़ी किसके अंतर्गत पढ़ी, वो मित्रों हम लोगों ने पढ़ी संधि के अंतर्गत, क्योंकि भाई संधि क्या करती है, संधि की परिभाषा जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहां क्या बोला था, वहां यही बोला था कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के योग को हम लोग संधि कहते हैं। तो वर्णों को जब हमने मिलाया तो वहां से क्या बना, शब्द बना, और इन्हीं शब्दों को जब आपस में मिलाया गया, यानी इन शब्दों को, यानी दो शब्द जब आपस में मिले, शब्द ठीक है ना, ये दो शब्द, तो दो शब्द जब आपस में मिलेंगे तो ये भी मिलकर के एक क्या, एक नया शब्द बनाएंगे, भाई एक बड़ा शब्द बन जाएगा, है ना। लेकिन बनेगा तो दो शब्दों के मिलाने से क्या, शब्द ही बनेगा, या इसी की जगह हम लोग क्या लिख लें, पद लिख लें, दो से अधिक शब्द या पद। तो दो शब्दों और पदों के मिलने की प्रक्रिया थी, वो क्या थी, समास, वो क्या थी, जिसको हम लोगों ने अपने अंतिम कक्षा में पूर्ण कर लिया था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखिए वर्णमाला, संधि और समास को पढ़ाते हुए आगे बढ़े, अब हमारे पास शब्द आ चुके हैं, ठीक है, यानी हम लोग शब्द बनता कैसे, उसके जो नियम है उस पर चर्चा कर चुके हैं, अब हमारे पास जो शब्द आए हैं उनका विभाजन कैसे है, बस वही हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये आपका सीक्वेंस आपके सामने क्लियर है, यहां से आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, यहां से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन इसकी देखिए क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन यहां से बनेगी कि शब्द क्या होता है, शब्द होता है वर्णों का सार्थक समूह। लिख लीजिए परिभाषा इसकी, यहां पे लिख लीजिए परिभाषा, परिभाषा वर्णों का सार्थक, सार्थक ठीक है, वर्णों का सार्थक, वर्णों का सार्थक, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है मित्रों, शब्द कहलाता है, वर्णों का सार्थक। और सार्थक का, अब देखिए यहां पे एक वर्ण क्या आया, सार्थक आया, तो सार्थक का मतलब क्या, सार्थक को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, साधन अर्थ, ठीक है, धन अक, ठीक है ना, साधन अर्थ यानी जिसका कोई अर्थ हो, सा मतलब सहित, अर्थ के सहित जो हो वही आपका क्या कहलाता है, सार्थक, ठीक है ना, सार्थक, ठीक है ना। तो क्या वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, जिसका हमें कोई अर्थ मिलता है, वही शब्द कहलाता है, वही मतलब समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब देखिए इस सार्थक को हम लोग उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए जैसे वर्ण है हमारा, ये हमने आपके सामने लिखा का खा गा घा, चलिए ये चार वर्ण हमने ले लिए, ठीक है ना, चार वर्ण हमने ले लिए। अब अगर यहां से हम इस शब्द को सिर्फ हटाएं, अगर सिर्फ वर्णों के समूह की बात करें, तो आप जरा देखिएगा एक वर्ण यहां पे का है और एक वर्ण यहां पे खा है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इन दो वर्णों को अगर मिला दें तो ये हमारा क्या कख बन गया। तो देखिए ये बन तो हमारा गया, ये क्या है, वर्णों का समूह तो हो गया, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है, अगर इसका अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा, ठीक है, ये शब्द होगा किसके अंतर्गत, एक हम लोग इसका जब आगे विभाजन पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर दो विभाजन देखेंगे, एक सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। तो वहां पे क्या होगा कि निरर्थक की हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहां पे देखिए इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, कोई अर्थ नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, शब्द आपका नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपके शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अब जरा हम चर्चा करें कि देखिए यही से हम लोग आगे के दो वर्ण ले लें, एक हमने क्या लिया, पहला वर्ण खा लिया और दूसरा वर्ण गा लिया, और इन दोनों को अगर हमने मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया खग बन गया ना मित्रों, ये हमारा खग बन गया। और जब हमारे सामने देखे एक वर्ण दूसरा वर्ण, इन दोनों वर्णों को आपस में मिलाया तो बना खग, और खग का हमें अर्थ क्या मिला, खग का अर्थ हमें मिला पक्षी, खग का अर्थ हमें क्या मिला, पक्षी, ठीक है। तो यहां पे देखिए वर्णों को मिलाने से उसका एक अर्थ मिला, यानी ये सार्थक जो हमें वर्णों का समूह मिला, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग शब्दों के विभाजन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये शब्द आपके सामने है, एक का लिखा है, मां लिखा है, ला लिखा है, है ना। अब यहां से देखिए इन तीन वर्णों के योग से क्या बन सकता है,
इनको अगर हम ऐसे ही लिख दें तो ये भी देखिए एक बन सकता है, ये भी आपका एक शब्द हो गया, वर्णों का समूह और इसका एक अर्थ मिला। और इसको अगर हम लिख लें इन्हीं तीन वर्णों से, इन्हीं तीन वर्णों से देखिए हमें क्या मिला, एक ये शब्द मिला जिसका एक क्या है, अर्थ है। तो देखिए दोनों कैसे हैं, ये कैसे वर्ण हो जाएंगे, ये वर्णों का समूह क्या कहलाएगा, ये वर्णों का समूह क्या कहलाएगा आपका, शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर हम ये लिख दें या है ना, तो ये क्या है, ये वर्णों का समूह तो है लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, तो ये इस प्रकार से क्या, ये शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग इतना समझ पाए होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो क्या है, वो आप देख लीजिए कि जो शब्द होते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट्स में, फाइंड आउट कर लीजिएगा कि जो शब्द होते हैं, ठीक है ना, इसको पॉइंट में लिख लीजिए कि जो शब्द होते हैं, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होते हैं, ठीक है ना, शब्द भाषा की सबसे छोटी। देखिए ये पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया मित्रों, देखिए जैसे हमने पीछे आपको क्रम पढ़ाया था तो वहां पे हमने क्रम में आपको लिखवाया था क्या, ध्वनि 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 के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद वाक्य, ये सीक्वेंस मैंने लिखवाया था। तो वहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और सिर्फ शब्द के माध्यम से दिया जाता है। तो जो मैंने आपको एक एक शब्द लिखवाया था बस वही याद रखिएगा आप लोग, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जब ध्वनि की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब ध्वनि की बात करेंगे तो यहां पे आप शब्द याद रखेंगे सिर्फ क्या, मौखिक, कैसी, मौखिक। जब किसकी, हम लोग जब वर्ण की बात करेंगे तो यहां क्या याद रखेंगे, लिखित, क्या याद रखेंगे, लिखित। जब हम लोग शब्द की बात करेंगे तो यहां आप क्या याद रखेंगे, सार्थक। अभी हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, अभी हम लोग इतने पर चर्चा करते हैं, फिर आगे हम लोग, ठीक है, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देखिएगा ये तीनों ही कैसी इकाई होती हैं, लघुत्तम इकाई होती हैं, ठीक है ना, भाषा की ये तीनों ही ध्वनि वर्ण और शब्द क्या होती है, ये लघुत्तम इकाई होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में आपसे क्वेश्चन जब करता है तो क्या पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी या भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई कौन सी होती है, पेपर में आपसे क्वेश्चन ये होता है कि भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई कौन सी होती है। तो ये शब्द को आप याद रखेंगे, मौखिक की अगर बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपके सामने आंसर आपका ध्वनि हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में ये तीनों ही होते हैं आपके सामने, बल्कि कहिए इन्हीं में से चार ऑप्शन में बने, ठीक है। तो आपको वहां पे आंसर निकालने के लिए आपको सहूलियत जो मिलती है वो इन शब्दों से मिलती है, ठीक है। ये शब्द आपको बताते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। अगर उसने पूछा है कि भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगर उसने क्वेश्चन किया है भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई, अगर लिखित की बात कर दी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। और अगर बात भी आपसे पूछ रहा है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की जब बात करेगा, सार्थक का मतलब ही हो जाएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है ना। तो अर्थ के लिए क्या होना पड़ेगा कि शब्दों को क्या होना पड़ेगा, आपस में जुड़ना पड़ेगा, वर्णों को या शब्दों को आपस में जुड़ना पड़ेगा। और जब वो जुड़ेंगे तो जुड़ करके वो रचना किसकी करेंगे बच्चों, वो रचना करेंगे किसकी, शब्दों की। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो क्या होती है, शब्द होती है। ये क्वेश्चन पेपरों में कई बार पूछा गया है तो आप इसको याद कर लेंगे, आशा करता हूं कि अब आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगी, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द हो जाएगी। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये एक सामान्य सा परिचय था शब्द का जो कि हमने आपको दिया, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि शब्द का जो विभाजन है, जो महत्वपूर्ण है, जो कि पेपरों में हमारे पूछा जाता है,
वो किस प्रकार है, ठीक है ना। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, शब्दों का विभाजन। तो शब्दों के विभाजन, अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, मतलब हमारा जो चैप्टर है पेपर में जो पूछा जा रहा होता है कि विभाजन किस प्रकार से किया गया जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए शब्दों का विभाजन जो है वो निम्न प्रकार से किया गया है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मूल रूप से मैं कहूं तो हमारा जो अध्याय है या जो चैप्टर है शब्द, वो अब प्रारंभ होता है जहां से क्वेश्चन हमारे ज्यादातर बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो देखिए मित्र, शब्दों का विभाजन जो है वो विभिन्न किताबों में अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो एक सामान्य रूप से मान्यता है, जो सामान्य रूप से माने गए हैं, वो विभाजन निम्न प्रकार से हम लोग देखते हैं जो किया जाता है। तो शब्दों का विभाजन जो है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। तो उसका जो पहला प्रकार जो हमारा होता है वो होता है रचना और उत्पत्ति के आधार पर। रचना एवं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन, ठीक है। दूसरा विभाजन जो हमारा होता है वो किया गया है, इसको एक मिनट संशोधित करूंगा मैं थोड़ा सा, एक मिनट, उत्पत्ति नहीं, ये हो जाएगा रचना, एक मिनट इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा बनेगा रचना एवं बनावट के आधार पे। उत्पत्ति नहीं होगी मित्रों, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, रचना एवं बनावट के आधार पर। दूसरा विभाजन ही हमारा है उत्पत्ति के आधार पे, कि किसी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो पहला विभाजन जो हमारा है रचना और बनावट के आधार पे, यानी शब्द जो है हमारे वो किस प्रकार से बने, तो उसके आधार पे, यानी जो शब्दों की निर्मिति हुई उसके आधार पे हम लोग शब्दों का विभाजन इसके अंतर्गत देखेंगे। दूसरा विभाजन जो हमारा महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पेपर में क्वेश्चन, हर पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो इस, मतलब इस विभाजन से आपका पूछा ही जाता है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर विभाजन दूसरा। तीसरा विभाजन जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, कि जो शब्द है हमारे उनका कोई अर्थ है या कोई अर्थ नहीं है, उसके आधार पर हमारा। और अंतिम और महत्वपूर्ण विभाजन जो है वो हमारा है, वो हमारा हो जाएगा विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर, यानी विकार के आधार पर। तो मूल रूप से हम लोग क्या करेंगे, इन चार प्रकार के विभाजनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि शब्दों का विभाजन किस प्रकार से किया गया। तो आइए हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा पहला विभाजन था वो था रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो रचना और बनावट का अर्थ मतलब क्या है? तो रचना और बनावट का अर्थ मित्रों है कि जब क्या हो गया कि वर्णों के बाद प्रारंभ में शब्दों की रचना प्रारंभ की गई होगी, ठीक है, शब्दों की रचना की गई होगी, तो किस प्रकार से उन शब्दों को बनाया गया होगा उसके आधार पे ये हमारा जो शब्दों का विभाजन है वो हिंदी में निम्न तीन प्रकार से किया जाता है। वो तीन प्रकार से किया जाता है। पहला विभाजन जो है वो क्या कहलाता है? रूढ़ी शब्द। कैसे शब्द? रूढ़ी शब्द, ठीक है ना। पहला विभाजन हमारा क्या है? रूढ़ी। दूसरे जो शब्द होंगे हमारे वो कहलाते हैं यौगिक। यौगिक, ठीक है ना। दूसरा हमारा शब्दों का विभाजन वो किसके अंतर्गत है? रचना एवं बनावट के आधार पे। रचना एवं बनावट के आधार पे। और तीसरा इसका विभाजन जो होता है वो होता है योगरूढ़। योग, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द।
तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन, और ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो मित्रों उसका आंसर क्या होगा? रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है। वो कौन कौन से होंगे? आपका एक होगा रूढ़ि, एक होगा यौगिक और तीसरा होगा योगरूढ़। ठीक है ना। दूसरी हम लोग चर्चा जो करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन, तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा शब्दों का विभाजन है वो हमारा निम्न प्रकार से किया गया है, और वो विभाजन के देखिए हमारे अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो उत्पत्ति के आधार विभाजन के आधार पर हमारा आएगा एक शब्द आएगा हमारा, सबसे पहला जो होगा वो होगा तत्सम शब्द। ठीक है, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको पतला कर लिया ताकि हम आसानी से आपको बता सके। थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर लेते हैं। तत्सम शब्द पहला विभाजन क्या है? तत्सम शब्द। दूसरा आता हमारा तद्भव शब्द। ठीक है ना, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? हमारे उत्पत्ति के आधार पे। इसी के अंतर्गत तीसरा विभाजन हमारा होता है देशज शब्द। ठीक है ना, देशज शब्द। चौथा होता है विदेशज, और एक अंतिम विभाजन जो इसका होता है वो होता है शंकर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का विभाजन किया गया वो हमारा कितने प्रकार से किया गया? निम्न पांच प्रकार से किया गया। वो कौन कौन से आते हैं? कहीं कहीं किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो किन्हीं किताबों में क्या हुआ है कि शंकर शब्द को इसके आधार पे नहीं बांटा गया है, लेकिन जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे आपके पेपर में अगर आता है तो आप इसका आंसर उत्पत्ति के आधार पे पांच प्रकार ही लगाएंगे, क्योंकि आयोग ने अपने आंसर में पांच को ही मान्यता प्रदान की है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर जब आप पढ़ेंगे या उत्पत्ति के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे तो शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से होगा, तो वो शब्दों का विभाजन निम्न पांच प्रकार से होगा। कौन कौन सा होगा? एक होगा तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा शंकर शब्द। ठीक है, तो ये कितने प्रकार से? पांच प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। आइए अपने अगले प्रकार पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला प्रकार जो हमारा है वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पर मित्रों शब्दों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है। वो दो प्रकार में पहला प्रकार जो हमारा है वो है सार्थक शब्द। कैसे शब्द? सार्थक शब्द। ठीक है ना, और दूसरा इसका जो प्रकार है वो आपका होता है निरर्थक शब्द। कैसे शब्द होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, चौथा और महत्वपूर्ण प्रकार जो है हमारा वो है विकार के आधार पे। अब देखिए विकार का मतलब क्या होता है, यहां पे पहले हम लोग विकार ही जान लें। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है चेंज। चेंज को हम लोग ना परिवर्तन। ठीक है ना, परिवर्तन। तो परिवर्तन के संदर्भ में हम लोग कैसे बात करेंगे? तो परिवर्तन के संदर्भ में हम लोग ऐसे बात करेंगे कि हिंदी में बहुत से शब्द हैं। ठीक है, वर्णमाला में, हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत से शब्द हैं। ठीक है ना, तो उन शब्दों में क्या करेंगे हम लोग? कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें क्या होता होगा कि परिवर्तन, विकार। विकार का मतलब परिवर्तन होता होगा। ठीक है ना, चेंज होता होगा। और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता होगा, यानी उनका प्रयोग हमेशा किसी भी परिस्थिति में उसी प्रकार से किया जाएगा, एक ही प्रकार से किया जाएगा जैसे कि उनका प्रयोग होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता होगा। तो अगर हम लोग सिंपल एकदम सामान्य भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये जानते हैं कि विकार के आधार पर क्या होगा? शब्द होंगे हमारे हिंदी भाषा में, तो उनमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें विकार होगा और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें विकार नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे शब्द जिनमें विकार होगा वे शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना, ऐसे शब्द जिनमें क्या हो? परिवर्तन संभव हो, वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ना के लिए हम लोग आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो परिवर्तनशील नहीं होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। तो
तो देखिए विकार के आधार पर भी हमारे शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से हो गया, दो प्रकार से हो गया, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा ये टॉपिक है शब्द रचना, वो बस इतने ही पे टिका हुआ है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये आधार है आपके सामने, आपको एक बेस दे दिया गया है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये जो शब्द रचना का टॉपिक है इसको एक बुलंद इमारत के रूप में आपके सामने रखेंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा देखिए एक पेज के माध्यम से, पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए अब मित्रों इसको इसी में हम लोग देखेंगे कि बस इसको जैसे हम लोग रचना एवं बनावट के आधार पे पहला पढ़ लिया कि रूढ़ शब्द मतलब इनका विभाजन जो है वो तीन प्रकार से किया गया, एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो बस अब हमें यहां पे क्या जानना है कि ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार के शब्द हमारे, क्योंकि पेपर में देखिए पेपर में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। देखिए पेपर में क्वेश्चन देखिए इस चार्ट से ही आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो गया रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके सामने आंसर है कितने, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, या यहीं से क्वेश्चन मिल गया कि निम्न में से कौन सा शब्दों का विभाजन रचना एवं बनावट के आधार पर नहीं है, नहीं है, तो तीन ऑप्शन वहां से दे देगा, एक ऑप्शन आपका इनमें से कहीं से उठा देगा। ठीक है ना, तो देखिए आपके सामने इसी प्रकार से इससे बन गया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, तो आपको वहां से एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से निकाल लोगे आप। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से, दो प्रकार से, विकार के आधार पर शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से, दो प्रकार से। ठीक है ना, तो 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके ऐसे मिले। अब हम लोग इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे कि रूढ़ी शब्द क्या होते हैं। अब पेपर में आपके सामने आता, मान लीजिए कोई शब्द दे दिया और उसमें कह देता पहचानिए शब्द किस प्रकार का है। ठीक है ना, किस प्रकार का है, तो रूढ़ी शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे, यौगिक, योग रूढ़, और उसी संदर्भ में हम इन शब्दों की चर्चा करेंगे, और देख करके इसी प्रकार आपका टॉपिक क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अपने इसके पहले प्रकार पर चर्चा प्रारंभ करते हैं जो कि कहलाता है रचना एवं बनावट के आधार पर। ठीक है, रचना एवं बनावट के आधार पर, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है मित्रों। पहला कौन सा कहलाता है, पहला कहलाता है आपका रूढ़ शब्द, पहला रूढ़ शब्द। तो देखिए हम लोग रूढ़ शब्दों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। रूढ़ शब्द में हम लोग देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो जब हम लोग किताबों में हम लोग देखते हैं तो इसकी परिभाषा के रूप में लिखा होता है कि रूढ़ शब्द, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या कहती है, परिभाषा इसकी कहती है ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड संभव ना हो। ठीक है ना, रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या बोली, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड संभव ना हो। सार्थक खंड का मतलब क्या होगा कि यानी इन्हें तोड़ा ना जा सके। ठीक है ना, खंड का मतलब क्या, तोड़ना संभव ना हो। या अब ठीक है, तो इस परिभाषा के संदर्भ में जैसे मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही, तो अब ये समझ लें कि रूढ़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे रूढ़ का मतलब हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं बड़ा रूढ़ प्रकृति का है। रूढ़ प्रकृति का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तन को ना लेता हो। ठीक है ना, जो चेंज को ना लेता हो। ठीक है, या उसी में किसी प्रकार का क्या हो, उसका विभाजन ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, वही है इसका क्या, सार्थक खंड, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसकी प्रकृति में, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है,
वही शब्द हमारा रूढ़ी शब्द कहलाता है। ठीक है, कैसा शब्द कहलाता है? रूढ़ी शब्द कहलाता है। अब कुछ इसके उदाहरणों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे जैसे अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा घर, ठीक है ना, घर। तो अब यहां पे देखिए, यहां पर आपके सामने क्या है, एक शब्द यहां पर, एक वर्ण घा है और एक वर्ण रा है, ठीक है ना, दो वर्ण। अगर हम यहां पे क्या कर दें, यहां पे क्या हो, इनको अलग कर दें, तो एक वर्ण हमें घा मिलेगा और एक वर्ण हमें रा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, क्या इन दोनों का कोई अर्थ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो ये तोड़ने पे क्या होंगे, ये तोड़ने पे आपके वर्ण तो हो जाएंगे लेकिन क्या होगा, शब्द नहीं बचेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, इसका एक आपको कोई भी अर्थ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप लोग कोशिश कर रहा हूं कि समझ पा रहे होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में लिया था कलम, कलम, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, चाहे यहां से इसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप देखिए यहां से इसको निकाल नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, इन दो शब्दों को हमने लिया, ठीक है ना, तो यहां से क्या हुआ कि ये देखिए मां अलग हो गया, तो इसका कोई सार्थक खंड नहीं मिला, है ना, कोई सार्थक खंड नहीं मिला। या यहां से इसको तोड़ लिया, ठीक है, तो ये का हुआ, ये लम हुआ, इसका भी कोई सार्थक खंड नहीं मिला। तो एक कलम आपका कैसा शब्द हो गया, ये कलम आपका कैसा शब्द हो गया, रूढ़ी शब्द हो गया। कैसा हो गया? रूढ़ी शब्द हो गया। इसी प्रकार आपके अन्य एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे किताब, नदी, जल, आग आदि, ठीक है, नदी, जल, आग, यानी जिसके क्या हो, सार्थक खंड हमें नहीं मिलेंगे, वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रूढ़ी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। पहला प्रकार इसका ये हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं, जो इसका प्रकार था यौगिक। यौगिक, ठीक है ना। तो मित्रों, यौगिक में हम लोगों ने विज्ञान में जब पढ़ा होगा, तो विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा यौगिक क्या होता है। यौगिक क्या होता है कि यौगिक में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तत्व या धातुओं को आपस में मिलाते हैं, ठीक है ना, विभिन्न तत्व या धातुओं को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो उनके मिलाने से जो हमारे सामने एक जो नई समूह आता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा यौगिक कहलाता है। तो अगर उसको हम आधार बना लें, उसको हम आधार बना लें, तो यहां पे भी हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जो रूढ़ी शब्द बने हमारे, ठीक है ना, कैसे शब्द, रूढ़ी शब्द। तो रूढ़ी शब्दों को मिलाने से, ठीक है ना, जो रूढ़ी, दो या दो से अधिक रूढ़ी शब्दों को मिलाने से जो हमारे पास क्या एक नया शब्द बनता है, जो हमारे पास एक नया शब्द बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, ठीक है। या इसके संदर्भ में हम दें, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा इसकी हो जाएगी ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसके दो या दो से अधिक सार्थक खंड, सार्थक खंड संभव हो, ठीक है ना, ऐसे शब्द जिसके दो या दो से अधिक सार्थक खंड संभव हो, वो क्या क्या शब्द कहलाता है हमारा, यौगिक कहलाता है, ठीक है। और यौगिक जो हमारा बनता कैसे है, वो बनता हमारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
रूढ़ी शब्दों को मिलाने से दो या दो से अधिक रूढ़ी शब्दों को मिलाने से यौगिक शब्द की निर्मिति होती है या यौगिक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जरा देखते हैं, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, दो शब्दों को लेते हैं जो कैसे हैं, रूढ़ी है, और उनको मिला करके देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, जब जरूरत पड़े तो दो शब्दों को हम आपस में मिला रहे हैं, ठीक है ना, और वो शब्द कैसे होने चाहिए, वो शब्द रूढ़ी होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या करेंगे, उन दो शब्दों को आपस में अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और अलग करेंगे तो ऐसे ही वो शब्द क्या हो जाएंगे, जिनके सार्थक खंड होंगे, क्योंकि रूढ़ी शब्द है, रूढ़ी शब्द है, दो से दो या दो से अधिक रूढ़ी शब्द है, तो रूढ़ी शब्द का मतलब है कि उनका एक क्या होगा, अर्थ होगा, तो यही होगा, उसके खंड कैसे होंगे, सार्थक खंड होंगे, ठीक है ना, खंड कैसे होंगे, सार्थक खंड होंगे। अब देखिए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं, जैसे देखिए, जैसे उदाहरण इसका यहां पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक रूढ़ी शब्द हमने लिया, बहुत फेमस है, इसी से हम लोग समझते हैं, ये दो शब्द हमारे सामने आए, पहला शब्द हमारा क्या है, विद्या, ठीक है ना, पहला शब्द हमारे सामने क्या है, विद्या, ये कैसा शब्द है, ये शब्द है हमारा रूढ़ी, ठीक है ना, और दूसरा शब्द हमारा है आलय, आलय का अर्थ हुआ स्थान, घर, भवन, स्थान, घर या भवन। तो जब इन दोनों शब्दों को हमने मिलाया तो हमारे सामने शब्द आया विद्यालय, शब्द क्या आया, विद्यालय, और ये जो विद्यालय हमारे सामने आया तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, विद्या धन आलय, यानी विद्या मतलब शिक्षा या पढ़ाई का जो स्थान है या जो घर है वो हमारा क्या बना, विद्यालय बना, ठीक है ना। तो देखिए जब यहां पे हमें नया शब्द मिला है, जो ये नया शब्द मिला है तो उस शब्द में क्या है, ये जो हमारे मूल शब्द थे इसके अर्थ क्या थे, समाहित थे, इन दोनों के अर्थ, तो देखिए विद्या मतलब क्या, पढ़ाई, आलय मतलब स्थान या भवन, तो विद्यालय जब हमें इन दोनों को मिलाने बना तो क्या बना, पढ़ाई की जगह या पढ़ाई का भवन जो है वही तो विद्यालय कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये शब्द कैसा हो गया, ये शब्द आपका हो गया यौगिक शब्द, जो किसके किसके मिलने से बना, एक विद्यारूढ़ी शब्द और दूसरा आलयरूढ़ी शब्द के मिलने से बना, ठीक है ना। और जो ये नया शब्द आया इसमें क्या है, एक चीज और याद रखेंगे कि जो मूल शब्द थे, मूल शब्दों का अर्थ इसमें समाहित है, मूल शब्दों का अर्थ इसमें समाहित है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, मूल शब्दों का अर्थ इसमें समाहित है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, एक मूल शब्द क्या, राज यानी राजा, और दूसरा मूल शब्द क्या, पुत्र यानी लड़का, यानी राजा का जो पुत्र है। तो यहां पे देखिए दो ये क्या हो गए, ये दो रूढ़ी शब्द हो गए, और इन दोनों के मिलने से क्या, एक आपका नया शब्द बना, ठीक है ना, राजपुत्र। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, कैसा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से और बहुत से एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अपनी चर्चा में लाएंगे और देखेंगे। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक समझने के माध्यम से देख लिया कि जो हमारा यौगिक शब्द होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ठीक है ना, किस प्रकार के शब्द हमारे यौगिक होंगे। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जो दो किसे, रूढ़ी शब्दों के मेल से बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके, वो आपके यौगिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं, जो कि है, ठीक है ना, तीसरा प्रकार जो है इसका वो है योग रूढ़ शब्द। कैसा शब्द,
योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब देखिए रूढ़ शब्द में हम लोगों ने क्या किया, रूढ़ शब्द में हमने कहा कि शब्द कैसा होगा जिसका सार्थक खंड संभव नहीं होगा, जिसका सार्थक खंड संभव नहीं होगा वो क्या कहलाएगा आपका, रूढ़ शब्द कहलाएगा। दूसरी हमने चर्चा की यौगिक शब्दों की, तो यौगिक में हमने चर्चा की क्या कि वो बनेगा कैसे, पहले तो हम लोग देख लें कि यौगिक शब्द हमारा बना कैसे, तो वो बना हमारा दो या दो से अधिक शब्दों के कैसे, रूढ़ शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से हमारा वो शब्द बना, ठीक है। और फिर क्या है कि जो हमारा नया शब्द बन गया है तो आवश्यकता पड़ने पर वो क्या होगा कि वो अपने मूल शब्दों में टूट भी जाएगा, यानी उसके दो सार्थक खंड संभव होंगे, ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा इसका जो प्रकार है हमारा वो है योगरूढ़। अब योगरूढ़ क्या कहता है, देखिए ये महत्वपूर्ण है और पेपरों में यही बहुत पूछा जाता है। मित्रों आपको याद आ रहा होगा कि जब हम लोगों ने समास पढ़ा था तो समास में हम लोगों ने एक समास के अंतर्गत पढ़ा था कि प्रायः योगरूढ़ प्रकृति के जो शब्द होते हैं वो एक समास के अंतर्गत जाते आते हैं। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज कर रहा हूँ कि आप लोग अपना आंसर बताने का प्रयास करें कमेंट में, देखें कि आप लोगों का रिवीजन कहाँ तक है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो बताएं कि योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द आते हैं मैंने आपको बताया था, पॉइंट्स में लिखवाया भी था, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर भी दे दें, ताकि हम देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं और प्रत्यक्ष रूप से तो हम आपके सामने हो नहीं पाते हैं, तो यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि आप पढ़ाई को कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है, और किस स्तर तक आप जो चीज़ें हैं उनको समझ पा रहे हैं। तो मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है जो जो मतलब पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि किस समास के अंतर्गत योगरूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो योगरूढ़ शब्द हमारे क्या बनेंगे, योगरूढ़ शब्द हमारे हो जाएंगे। पहली बात तो देखिए क्या है ये, यहाँ पे अपने आप में देखिए शब्द को अगर तोड़ेंगे तो क्या है, योग और रूढ़, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा रूढ़ शब्दों का योग, यानी रूढ़ शब्द आपस में क्या हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यानी दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों का क्या होता है, मिलने से या जुड़ने से, ठीक है। तो आप कहोगे सर, यहाँ पे तो यौगिक में भी यही था कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से क्या बनना था, हमारा क्या बनना था, यौगिक शब्द बनना था, और आप यहां भी बोल रहे हो कि योग रूढ़ में क्या होगा, योग रूढ़ में होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, यहां भी आप यही बोल रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां पे परिभाषा इसकी यही होगी। लेकिन एक पॉइंट बस हम लोग इसको यहां पे परिवर्तन कर देंगे और उस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि जो हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं वो भी किसके मिलने से बनते हैं, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के, ठीक है ना, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के मिलने से बनते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है जो मैंने वहां पे आपको उदाहरण के माध्यम से बताया था कि जब ये दो शब्द आपस में मिलते हैं ना, जब ये दो शब्द आपस में रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं तो अगर मूल शब्दों का अर्थ समाहित होगा, अब इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, ये महत्वपूर्ण है आपको ये बताने के लिए कि यौगिक और योग रूढ़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। आप कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना, आपस में मिल रहे हैं, और मिलने के बाद जो नया शब्द बन रहा है, जो नया शब्द बन रहा है उस नए शब्द का अर्थ बदल जाए, नए शब्द का अर्थ बदल जाए, या वो किसी अन्य को निरूपित करे, वो किसी अन्य को निरूपित करे, क्या करे, किसी अन्य को निरूपित करे, तो ऐसा शब्द हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, वो हमारा योग रूढ़ प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है, किसके अंतर्गत आ जाता है, वो शब्द हमारा योग रूढ़ प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना, शब्द हमारा योग रूढ़ प्रकृति के अंतर्गत आ जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्द रूढ़ शब्द यौगिक में भी मिलेंगे और योग रूढ़ में भी मिलेंगे, लेकिन यौगिक कहां पे होगा, जहां पे जो नया शब्द बनना है उसका
जो नए शब्द में मूल अर्थ भी क्या हो, आपके समाहित हो, ठीक है ना। तो मूल अर्थ जिसमें समाहित होंगे वो क्या हो जाएंगे, यौगिक। और जो नया शब्द बनना होगा, जो नया शब्द बनना होगा तो नए शब्द में क्या हो रहा होगा, मूल शब्दों का अर्थ ना होकर के किसी अन्य के अर्थ को अगर दे रहा होगा तो वो शब्द आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो आपका योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण पे हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे देखिए हमने एक शब्द लिया पंख प्लस दूसरा शब्द लिया जा, ठीक है ना, पंख धन जा। तो देखिए यहां पे ये जा क्या है, यहां पे ये जा प्रत्यय के रूप में यूज हुआ है और ये इसका मूल शब्द क्या है, पंख है, ठीक है ना। तो पंख का अर्थ क्या होता है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का अर्थ क्या होता है, कीचड़। और जा जहां या प्रत्यय के रूप में लगा है तो इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला या जन्म से संबंधित, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जब हमने क्या किया कि यहां पे पंख के साथ जा प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये हमारा शब्द क्या बना, पंकज, पंकज शब्द क्या बना, पंकज बना, ठीक है। और पंकज जब बना तो यहां पे देखिए इसने अपने मूल शब्द के अर्थ को भी त्याग दिया और इस प्रत्यय के अर्थ को भी त्याग दिया और एक नया अर्थ दिया, पंकज यानी कमल। ये पंकज पर्यायवाची किसका होता है, कमल का होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या हुआ कि इन दो, ये क्या है, दो क्या है, रूढ़ शब्द को यहां पे आपस में क्या किया गया, जोड़ा। और जोड़ने से हमें क्या मिला, एक नया शब्द मिला जिसने क्या किया, मूल अर्थों को क्या किया, छोड़ दिया, त्याग दिया या मूल अर्थों को नहीं लिया और कैसा, एक नया अर्थ दिया। तो ये हमारा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, ये हमारा योग रूढ़ प्रकृति का शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ प्रकृति का हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल इसके हम लोग देखते हैं। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है दशानन, है ना, दशानन। तो देखिए दशानन का क्या बनेगा यहां पे, दश धन आनन। तो देखिए यहां पहला शब्द क्या है, दस है, दश है, और दूसरा शब्द आनन है, ठीक है ना। लेकिन जब यहां पे दोनों जुड़ा तो क्या बन गया, दशानन, और इसने एक नया अर्थ दे दिया, क्या, रावण, क्या अर्थ दे दिया, रावण। तो ये किस किस प्रकार का एग्जांपल हो गया आपका, ये किसके अंतर्गत आ गया आपका, ये आ गया आपका योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत, ठीक है ना। जहां पे मूल शब्दों के अर्थ को वो त्याग करके एक नए अर्थ को स्वीकार कर रहा है, ठीक है ना, और उसके सार्थक खंड भी संभव है। देखिए अब दशानन के क्या हुआ, सार्थक खंड भी संभव हो गए यहां पे, है ना, सार्थक खंड भी संभव हो गए। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, वीणा पानी, ठीक है ना। तो देखिए इसके सार्थक खंड क्या है, एक शब्द क्या हुआ, वीणा, एक शब्द क्या हुआ, वीणा, और दूसरा शब्द पानी, दूसरा शब्द पानी। लेकिन जब हमने इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाया तो इसने अर्थ कैसा दे दिया, एक नया अर्थ दे दिया मूल शब्दों को त्याग कर, वीणा पाणि, यानी ये पर्यायवाची किसका बन गया, सरस्वती का बन गया, सरस्वती का बन गया। तो ये किस प्रकार का हो गया आपका, ये शब्द हो गया आपका योग रूढ़। तो आशा करता हूं ये जो हमने पहला प्रकार अपना शब्दों की रचना का पढ़ा, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों का विभाजन और उसके ये जो तीन प्रकार है ये आप लोगों के समझ में आए होंगे। तो आपके पास जो भी आपके पास एक्सरसाइज के लिए बुक हो, टेक्स्ट बुक है, उसके माध्यम से आप इनके उदाहरणों पर प्रैक्टिस करेंगे और अपनी अगली क्लास में हम लोग इसी के अन्य प्रकार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगले विभाजन पे हम लोग चर्चा का प्रारंभ करेंगे और अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। और अंत में मेरा फिर से आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपका जो लाइक और शेयर के रूप में, आपके व्यूज के रूप में जो आपका स्नेह और प्रेम हमें मिल रहा है वो इसी प्रकार और अधिक प्रदान करें, ठीक है। और भी अधिक जो जानकारी आप लोग चाहते हो या हमें सुझाव देना चाहते हो वो आप क्या करें कि लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें
और टेली वहाँ पे जो भी आप हमें सुझाव दें या जो भी चीज़ें आप चाहते हो पढ़ाई के संदर्भ में, वो हम लोगों से वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके जो हमारे प्रयास है इसको सार्थक बनाने में हमारे सहभागी बने। तो इतनी शब्दों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली कक्षा में आपके सामने इसी को आगे बढ़ा करके हम लोग इस वादे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।